हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम टेस्ट करेंगे मोजा मिनी एस गिम्बल का स्टेबिलिटी। अभी ये यू कैन से ये सेल्फी मोड में है, मैं बस धीरे से चल रहा हूँ तो यहाँ से स्टेबलाइजेशन का पता चलता है। ठीक ठाक ही लग रहा है और मैं अगर दौड़ू तो ये है इसका स्टेबलाइजेशन। सो इट्स लुक्स प्रीटी नाइस। और ये है हैंड हेल्ड फुटेज, अभी जस्ट मेरे हाथ में है फ़ोन हाथ में है और अगर मैं फ़ोन को हाथ में लेकर दौड़ूंगा तो ये पूरा दुनिया हिल जाता है, पूरा दुनिया हिल जाता है। सो देयर इज अ डिफरेंस। सो गिम्बल से काफ़ी फुटेज स्टेबलाइज होता है, लेकिन बात यह है कि गिम्बल एकदम परफेक्टली स्मूथ फुटेज नहीं देगा अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, तो जैसे आप लेके दौड़ रहे हैं तो ये कर रहे हैं तो उतना परफेक्टली स्मूथ नहीं देगा। और इस टेस्ट का कंक्लूजन यही है कि हाथ में गिम्बल हो या ना हो, हाथ का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास गिम्बल भी है लेकिन आप कैजुअली वॉक कर रहे हैं और आपका जो फुट का जो जर्क है, जो वॉकिंग का जर्क है आपके हाथों तक पहुंच रहा है, तो वो जर्क गिम्बल फुटेज में भी थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, आप पोस्ट में आप सॉफ्टवेयर में इसे फिर से स्टेबलाइज कर सकते हो और भी ज़्यादा, वो उस जो जर्क है, जो वाइब्रेशंस है थोड़ा सा उसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि गिम्बल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे जैसे शूट करो, यू स्टिल हैव टू बी केयरफुल एंड यू स्टिल हैव टू बी स्मूथ टू गेट स्मूदर फुटेज। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।